आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मोहम्मद तौकीर हैदराबाद इंडिया से, कपड़ों पर मुख्तलिफ जानवरों की कढ़ाई करने का हुक्म। हम लोग कपड़ों पर कढ़ाई का काम करते हैं, कपड़ों पर मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की शक्ल भी बनाना पड़ती है, क्या ये जायज़ है और आमदन का क्या हुक्म होगा? बिल्कुल हराम है। जानवर का या इंसान का चेहरा बनाना आँख नाक के साथ अपने हाथ से बनाना, ये तो वो तस्वीर है जो बिल्कुल, इसमें तो किसी का भी इख्तलाफ नहीं है। तो वाज़ह तस्वीर जानवर के चेहरे की आप कढ़ाई में नहीं बना सकते। रहा यह मसला कि आमदन हलाल है या हराम है, तो आमदन सिर्फ उस चेहरे के बनाने की नहीं मिलती, आमदन तो मुकम्मल कढ़ाई की मिलती है ना आपको। तो यूं कहेंगे कि जो आमदन है उसमें हराम शामिल हो गया है। आपने कपड़े पे कढ़ाई की, ज़्यादातर तो जायज़ थी उसमें, लेकिन जानवर के चेहरा भी बना दिया, तो ये देखा जाएगा कि अगर ये चेहरा ना बनाते तो फिर आपको कितने पैसे मिलते, चेहरा बनाने की वजह से कितने पैसे मिल रहे हैं। तो जो इजाफी पैसे हैं वो आपको सदका करने पड़ेंगे। पूरी आमदन हराम नहीं होगी, आमदन में हराम शामिल हो गया है, फिर भी हिसाब नहीं बनता तो अंदाजे से कुछ रकम सदका कर दें, लेकिन ये अमल आप छोड़ दें, तौबा करें, ये जायज़ नहीं है।